आई है हमारे घर में। आज इतने दिन से अपनी नानों के घर गई हुई थी आयरा, और आए थे बाहर क्योंकि मेरी टीचर के घर और मम्मा की दोस्त के घर। ये मूंग की दाल और ये मसलों की जो खत्म हो चुकी है बस। और अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। तो आज बन रहे हैं जनाब दाल चावल, ये मूंग की दाल और ये मसलों की जो ख़त्म हो चुकी है बस। और अब मैं बना रही हूँ दाल चावल। ये दाल रख ली है, और अब मैं क्योंकि नाया ने रात को सोते वक्त कह दिया था मम्मा दाल चावल बनाने हैं, तो अब हो रहे हैं सुबह के 12, ये दिन के 12 बज रहे हैं। मैं उठी हूँ तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। पहले मैंने कहा मैं दाल चावल रख देती हूँ, फिर साथ चाय बनाती हूँ, फिर बस यही करेंगे गाली बात, फिर जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा। दाल चावल जल्दी बन जाती है, फिर खाना ही खाऊँगी। तो ये है सारी रूटीन, आगे देखते हैं अब दिन भर की क्या रूटीन होती है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ मैं सबसे ये पूछूँगी, आप लोग ये मसरों की दाल कैसे बनाती है? मैं तो ये मसरों की दाल और बाकी जो मूंग की दाल जो है तो ये इक्वल लेती हूँ, इक्वल क्वांटिटी में लेती हूँ, और फिर ये धो के और मैं इस तरह डाल देती हूँ। आजकल मैं कुकर में बना रही हूँ, वैसे मैं उसमें पतीले में बनाती थी लेकिन कुकर में बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। और फिर मैं इसमें मिर्चें डाल देती हूँ, मिर्ची, नमक, हल्दी, और ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची हमारी तेज़ है ये डाली है, और बस एक मिक्स मसाला आता है वो डालती हूँ। तो बस ये डाल के मैं कुकर बंद कर दूंगी। और मूंग और मसर की दाल इक्वल इसलिए लेती हूँ कि मूंग की दाल जो होती है ठंडी होती है, और मसरों की दाल जो होती है ना गर्म होती है। तो इन दोनों को इकट्ठा डाल दो, फिर ये तासीर अच्छी सही रहती है, वरना ये मसरों की दाल गर्म है तो गर्मी है तो फिर खा के और गर्मी महसूस होगी। तो मेरी दाल बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की। तो इंशाल्लाह जब पकेगी मैं आपको दिखा दूंगी। और ये दिन मेरा दूध बॉयल हो रहा है और वो पीछे मेरी चाय बन रही है और ये दाल। और ये मैं आपको ना दिखाती हूँ जो मैंने थोड़े दिन पहले अचार बनाया था, मेरा अचार बहुत मज़े का बना है। मैं चेक कराती हूँ एक मिनट, ये चेक कराती हूँ, इतना मज़े का अचार बना है मेरा। ये मैंने लहसुनों का और आम का अचार बनाया था, बहुत मज़े का बना है, इतना टेस्टी है, मैं मुझे खुद पे यकीन नहीं कि मैंने इतना अच्छा अचार बनाया। तो बहुत मज़े का अचार बने। आज दाल चावल के साथ ये भी खाएंगे, गला तो मेरा ख़राब है लेकिन मज़े का बहुत है खाने का। मैंने ज़रा थोड़ा सा ना स्पाइसी बनाया और इसलिए ना बड़ा मज़े का। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से आम ला के ना, आम और नींबू वैसे ही बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और आम भी अभी हैं कैरी, तो मैं थोड़े से और अचार डाल देती हूँ आम का और हरी मिर्ची का, क्योंकि ये बहुत मज़े का बना है। तो मैं कहती थोड़ा सा वो भी बनाओ और बना के रख देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े आम ना, आम थोड़े हैं इसमें, लहसुन ज़्यादा है। तो अब मैं आम भी लाती हूँ और उसका बनाऊँगी चार, ये तो बहुत मज़े का बना है। आयरा आई है हमारे घर में, आज इतने दिन से अपनी नानों के घर गई हुई थी आयरा, और आज हमारी आयरू वापस आ गई है। आयरा दिखाओ दिखाओ दुपट्टा करके, कितना प्यारा बेबी लग रहा है। आयरा अजान हो रही है और नाया दुपट्टा करिए तो कहती मुझे दे दो मैं करूं। आयरा देखो मैं नहीं तो मैं एकदम उसके मुंह पे डाल देती हूँ ना। आयरा इधर देखो उतार के बेच रही है, कहती नहीं लेना मैंने। आयरा क्या आयरा जी कैसे करना कैसे करना राया तो शुक्र करती है कि आयरू वापस आ जाती है और राया के साथ खेलती है थोड़ा सा। झूले झूले राय मेरी टांगों पे सही करके बैठाओ, इसको इधर बैठाओ, इधर इधर बैठाओ, नहीं 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 एक मिनट, अब मेरे ऊपर बैठाओ टांग के, आयरू जिग 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 आयरू गिर ना जाए। आए थे बाहर
क्योंकि मेरी टीचर के घर और मम्मा की दोस्त के घर वो उनने बनाई हुई थी निहारी और कढ़ी। उन्हें कहा था कि आंटी आपको बहुत पसंद है तो आ जाए। आंटी कढ़ी पसंद, मुझे पसंद है तो कढ़ी तो मुझे पसंद है। निहारी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती ना, वो तो कहते कि आ जाओ ले लो। हमारे घर में दो दिन दाल चावल उसको पसंद थे। हाँ दाल चावल हमारे उनको पसंद है। बस इसलिए हम लोग बाहर निकले हुए थे आज। अभी मम्मा ड्राइविंग कर रही हैं और बस अभी बहुत रश है आज, गर्मी भी बहुत है। अभी घर जाके जी तो जिलाज का चांद नज़र आ गया और मेरी तरफ से सबको जिलाज का चांद मुबारक। रात के अभी जो है ना 2 बज रहे हैं और मैं और मेरी बेटी दोनों बैठे आम खा रहे हैं। हम लोगों को अभी वक्त कुछ खाने का दिल कर रहा था, कुछ समझ नहीं रहे थे। मैगी नहीं थी, तो ये इसको तो मैगी की पड़ी होती है ना, और मैंने जो है ना मैंने कहा चलो आम खाते हैं, और अभी हम लोग दोनों आम खा रहे हैं। इसको पसंद भी यही वाले आम है, तो अभी आम खा रहे हैं। ये कल मैंने नेल पॉलिश लिए, देखिए मेरे नेल्स का कलर देखिए ऑलिव कलर है, मुझे इतना अच्छा लगा। अब मैंने कहा इसके साथ का जो है ना सूट भी बनाना चाहिए, तो अब ईद के करीब करीब तो देखती हूँ ईद पे तो बनाऊँ या नहीं, लेकिन ये कि ईद के बाद बनाऊँगी। अनाया की ईद के कपड़े आ गए और मेरे भी आ गए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं पहले दिन ब्लैक पहनूं या तो ऑरेंज पहनूं, कोई मुझे बता दे। ब्लैक पहनूं। हाँ ब्लैक बहुत प्यारा लग रहा है ना। हाँ रात 2 बज रहे हैं, अभी हम लोग सोने का टाइम हो गया। सोंगी नहीं, क्यों नहीं सोंगी, अब ये बस ये आम खाती हैं और सोते हैं फिर। नहीं।